नमस्कार दोस्तों, अभी आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ फोटोग्राफ्स देख रहे होंगे। तो इन फोटोग्राफ्स में मैंने कुछ इस तरह का करेक्शन कर रखा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक फोटोग्राफ्स है और इसके अंदर एक इस प्रकार का करेक्शन है। और ये एक फोटोग्राफ्स है जो आप प्री वेडिंग की फोटो में जो आपको करेक्शन दिख रहा है, ये आप करेक्शन में चार चांद लगा देगा। और ये जो करेक्शन मैंने किया है, ये सिंगल क्लिक में किया है और इसे आप आसानी से फोटोशॉप की सहायता से कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, ये हम जानेंगे फोटोशॉप के अंदर। ये सारा मैंने जो किया है सीसी 2021 में किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सन डिजाइन स्टूडियो पर। और अगर आप भी तक आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आइए देखते हैं हमने किस प्रकार इन फोटो का करेक्शन किया है और सीखते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें जो ओपन करना रहता है वो फोटोशॉप CS6 या CC 2021। यहाँ ओपन करने के बाद हमें क्या करना होता है कि सिंपली कोई सा भी एक फोटो हमें यहाँ फोटोशॉप के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करना रहता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ एक ये वाला एक फोटोग्राफ लेता हूँ। और इसे ओपन करने के बाद हमें क्या करना होता है दोस्तों कि कीबोर्ड में F7 को प्रेस करना होता है। F7 प्रेस करने के बाद आप सभी यहाँ जानते ही होंगे कि F7 प्रेस करने के बाद लेयर पैनल ओपन हो जाता है। लेयर पैनल ओपन होने के बाद हमें यहाँ करना है कि यहाँ हमें जाना है क्रिएट न्यू फिल एंड एडजस्टमेंट लेयर के अंदर। एडजस्टमेंट लेयर के अंदर अभी आपको यहाँ देखने को मिलेगा बहुत सारे ऑप्शन यहाँ आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ जो हमारा काम का जो ऑप्शन है वो है कलर लुकअप। कलर लुकअप पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ 3D LUTs फाइल मिल जाती है। आप चाहे तो फोटो यहाँ पे और भी फाइलें अपलोड कर सकते हो। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको और भी फाइलें डाउनलोड करके यहाँ लोड करना भी सिखा दूंगा दोस्तों। तो अभी हम यहाँ देखते हैं, जैसे कि मैंने ये 25 स्ट्रिप लुक सेट किया है और सेट करने के बाद आप देखिए कैसे कलर का लुकअप चेंज हुआ है। और थ्री स्ट्रिप में इस प्रकार का रहता है। यहाँ हम सभी का चेंज करके देख सकते हैं, इस प्रकार से यहाँ कलर का लुकअप आसानी से दे सकते हैं। तो हमारे जो प्री वेडिंग के फोटोग्राफ्स रहते हैं उनमें हम आसानी से इस प्रकार का करेक्शन कर सकते हैं 3D LUTs की सहायता से। और ये सारा जो हमें मिलता है फोटोशॉप CC 2021, 2020 और 2019 के अंदर, तो यहाँ हम आसानी से फोटोशॉप फोटोग्राफ्स का करेक्शन कर सकते हैं वो भी सिंगल क्लिक में। जैसा कि दोस्तों अभी हमारे पास ये एक फोटोग्राफ्स है, हम इसे यहाँ ओपन करते हैं। और ओपन करने के बाद हम लेयर पैनल पे जाते हैं। और लेयर पैनल पे जाने के बाद यहाँ 3D कलर लुकअप पर क्लिक करते हैं। कलर लुकअप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे मैंने 25 स्ट्रिप लुक किया और आपका जो फोटोग्राफ्स है वो सिंगल क्लिक में इस प्रकार का हो गया है। और यहाँ पर आप चेंज करते जाओगे तो आपको यहाँ हर चीज़ का कलर लुकअप चेंज मिलता जाएगा। और यहाँ पर आप आपके हिसाब से भी एडिटिंग कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान है। और सिंगल क्लिक में इस प्रकार का फोटोग्राफ्स आप बना सकते हो। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, यहाँ हमें एक मास्क मिल जाता है जिसमें हम आप जितना चाहे उतना इसे आपको जैसा लगे आप उतना इसे रख सकते हैं इफेक्ट को। और सिंगल क्लिक में ही आप जैसा चाहे वैसा फोटोग्राफ्स बना सकते हैं। मास्क पर काम करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है और कीबोर्ड में बी प्रेस करना है। बी प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर ब्रश को छोटा बड़ा कर लेना है। और यहाँ पर अगर यहाँ वाइट है तो यहाँ ऊपर ब्लैक होना चाहिए। और यहाँ इस प्रकार से आप इसमें ये आपका चला के आप इसे कलर का जो इफेक्ट है वो हटा सकते हो। और अगर आपको ये इफेक्ट वापस लाना है तो ये ब्लैक और ये यहाँ पर ये वाइट कर दे और ये वापस आप ब्रश ऐसे घुमा दे, आपका जो इफेक्ट है वो वापस आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ ये काम आसानी से कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, अगर हम यहाँ पर देखें कि इस फोटोग्राफ्स में हम फिल्टर में कैमरा रो फिल्टर पिछली वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और यहाँ बता देता हूँ। कैमरा रो फिल्टर को हम ओपन करते हैं और यहाँ ऑटो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर छोटा सा आपको उनको चेंजेस दिखने को मिलता है। और यहाँ ये एक यहाँ पर जो ये ऑप्शन है, इनके द्वारा हम कम ज़्यादा करके जो भी जैसा भी आप आपकी इमेज का वैल्यू के हिसाब से आप इसे यहाँ पे सेट कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा ऑप्शन हमें यहाँ ये मिल जाता है दोस्तों कि आप इस सेटिंग को एक बार करके जैसा भी करके अगर सेव कर लेते हैं तो दोस्तों आज जो हमने सीखा है वो है कलर लुकअप कैसे करते हैं
और कलर लुकअप का प्रयोग कैसे करते हैं, प्री वेडिंग के फोटोग्राफ्स में कलर लुकअप का प्रयोग कैसे करते हैं, ये आज हमने इस वीडियो में सीखा है। फोटोशॉप से संबंधित ऐसी जानकारी के लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।